नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Poco X6 5G वर्सेस Realme 11 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो X6 5G में 6.32 इंच जबकि 11 Pro 5G में 6.36 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो X6 5G में 2.93 इंच जबकि 11 Pro 5G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो X6 5G में 181.2 ग्राम जबकि 11 Pro 5G में 185 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो X6 5G में 20:9 जबकि 11 Pro 5G में 20:1:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो X6 5G में 6.67 इंचेस जबकि 11 Pro 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन X6 5G में 1220x2712px FHD+ और 11 Pro 5G में 1080x2412 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो X6 5G में 90.05% जबकि 11 Pro 5G में 90.75% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो X6 5G में 446 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 11 Pro 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो X6 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और 11 Pro 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 100 MP f/1.75 और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो X6 5G में 19 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 11 Pro 5G की बात करें तो उसमें 16 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो X6 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 11 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो X6 5G में Adreno 710 जबकि 11 Pro 5G में Mali G68 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो X6 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 और 11 Pro 5G में MediaTek Dimensity 7050 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 ऑप्शन देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 8GB 12GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो X6 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB 512GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 11 Pro 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी X6 5G में 5100 mAh जबकि 11 Pro 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
X65G में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 18,999 रुपए, 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 23,999 रुपए, 12 गीगाबाइट रैम 512 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 11 Pro 5G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 21,390 रुपीस, 8 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 23,636 रुपीस, 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 27,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो पोको X65G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme 11 Pro 5G की तो उसमें 6 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में 11 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में X65G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो F25 Pro 5G है, दूसरा टेक्नो कैमन 35G है, तीसरा नथिंग फोन 2A 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 Plus 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।